हेलो गाइज, वेलकम टू मनन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज चैप्टर अपना जो 3 है उसकी मिसकेलिनियस एक्सरसाइज के बारे में। ठीक है, ये मिसकेलिनियस पार्ट है, पूरा आपका क्या आएगा इसमें मिक्स आएगा। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो के लास्ट में आपको कमेंट्स करके बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और उसके बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब देखिए अपना क्वेश्चन। फर्स्ट मिसलिनियस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन आपको प्रूफ दैट, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये 0 आपको प्रूफ करके राइट हैंड साइड लानी है। तो सबसे पहले देखिए लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड में आपको गिवन है 2 cos π/13 इंटू cos 9π/13 प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5π/13, ये आपको गिवन है। ठीक है, यहाँ से मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको इधर पुट करके, यानी 5 और ये आपका 3, क्यों माइनस प्लस वाला लपड़ा नहीं। बड़ी वैल्यू उसको मैं पहले लिख लिया और जो छोटी वैल्यू उसको मैंने बाद में लिख दिया। अब इस वाली कंडीशन के अंदर आपका फॉर्मूला लग रहा होगा कौन सा, देखिए यहाँ पर कि कोस एक्स प्लस कोस वाई, क्या फॉर्मूला होता है, 2 कोस एक्स प्लस वाई अपॉन में 2 इंटू कोस एक्स माइनस वाई अपॉन में 2, ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं अपन। तो ये वाली क्वांटिटी तो सेम आ जाएगी। यहाँ से देखिए इसको, इसमें मैं अप्लाई करूँगा तो सबसे पहले क्या है 2, फिर कोस एक्स यानी 5π/13, फिर वाई की वैल्यू ये है तो प्लस 3π/13 और अपॉन में कितना है 2, ये अपॉन में आपका यहाँ पे 2 आ जाएगा। उसके बाद में मल्टीप्लाई होके कोस है तो कोस 5π/13 माइनस 3π/13 अपॉन में कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, लिख सकता हूँ इतना। आगे देखिए 2 cos π/13 इंटू कोस 9π/13 प्लस, इस वाली क्वांटिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ कि 2 cos, देखिए सेम वैल्यू है, एलसीएम सेम है, तो इन दोनों का मैं सम करूँगा तो कितना 8π, कितना लिख सकता हूँ मैं 8π/13 और इसके अपॉन, देखो थोड़ा सा मैं ढंग से लिख देता हूँ इसको, 8π/13 अपॉन में कितना है 2 इंटू कोस 5 में से 3 जाएगा कितना 2π और अपॉन में कितना 13 और इसके नीचे में कितना है 2, लिख सकता हूँ इसको, ये ब्रैकेट को बंद कर देते हैं अपन। आगे 2 cos π/13 इंटू कोस 9π/13, ये तो सेम था, इसी को देखना, ये 2 कोस इस 2 से ये कैंसिल आउट करूँ तो यहाँ पे कितना आएगा 4, तो 4π/13 इंटू कोस इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट होगा तो π/13, ये वैल्यू यहाँ से आपकी आ जाएगी। तो मैं ब्रैकेट को हटा देता हूँ यहाँ से। अब देखो इस वाली क्वांटिटी और इस क्वांटिटी में से कॉमन आ रहा है, एक तो ये वाली वैल्यू कॉमन आ रही है और ये 2 कॉमन आ रहा है। यदि मैं 2 cos π/13 को कॉमन निकाल दूँ तो यहाँ पर रिमेनिंग वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9π/13 प्लस cos 4π/13, क्लियर बात। अब वापिस कोस एक्स प्लस कोस वाई का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है तो अप्लाई कर देते हैं, तो 2 cos π/13, यहाँ पे मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँ तो 2 cos 9π/13 प्लस 4π/13 अपॉन में कितना आएगा 2 इंटू कोस एक्स माइनस वाई, तो एक्स तो कितना आपका 9π/13 माइनस 4π/13 और नीचे कितना आएगा आपका 2। ठीक है, आगे देखिए 2 cos π/13 इंटू 2 तो सेम है, कोस
देखो ये एलसीएम सेम है तो इन दोनों को ऐड करूं तो कितना आएगा आपका, 13 पाई अपॉन में 13 और इसके अपॉन में कितना है 2, ये लीजिए। फिर कोस ये कितना, 9 में से 4 जाएगा, 5 पाई अपॉन में 13 और अपॉन में कितना आएगा 2, ये वैल्यू यहाँ से आपकी आ जाएगी। इसको मैं आगे सोल्व करूँ तो कोस पाई अपॉन में 13 इंटू में 2 कोस, अब देखिए ये 13 और ये 13 कैंसिल आउट, पाई अपॉन 2 इंटू ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, कोस 5 पाई अपॉन में 2 से मल्टीप्लाई होगा 13 तो 26 ये आ जाएगा। अब कोस पाई बाई 2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, 0, तो मैं लिख सकता हूँ 2 कोस पाई बाई 13 ये मल्टीप्लाई में तो 2 इंटू यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई और ये भी मल्टीप्लाई में चल रहा है तो कोस 5 पाई अपॉन में 26। अब देखो ये 0 है, इस 0 के साथ ये भी मल्टीप्लाई है, ये भी मल्टीप्लाई, ये पूरा मल्टीप्लाई है, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 0 आएगी और यही आपको क्या करना था, प्रूफ। तो ये क्वेश्चन की आपकी राइट हैंड साइड आ जाएगी, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपका उम्मीद करता हूँ मैं। देखिए इसका सेकंड देखते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए और आप नोट डाउन कर लेना, अपन चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट को देखिए, चलिए मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ इसको, ठीक है। देखिए सेकंड की मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन 3x प्लस इंटू में साइन x, उसके बाद में प्लस कोस 3x माइनस कोस x इंटू में कितना है, कोस x। इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूं मैं, साइन x प्लस साइन y, क्या फॉर्मूला है, 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू में कोस x माइनस वाई अपॉन में 2, इसमें अप्लाई कर देते हैं ये फॉर्मूला तो 2 इंटू वहाँ से वैल्यू आ रही है आपकी साइन x प्लस वाई, तो x ये 3x प्लस x कितना हो गया 4x, तो 4x अपॉन में 2, या फिर एक बार देख लीजिए 3x प्लस x अपॉन में 2, उसके बाद में मल्टीप्लाई कोस 3x माइनस x अपॉन में 2 और इस पूरे के साथ में कौन मल्टीप्लाई है आपका, साइन x मल्टीप्लाई, उसके बाद में प्लस इसमें अप्लाई करेंगे कौन सा, कोस x माइनस कोस y, क्या फॉर्मूला होता है, माइनस ऑफ साइन x प्लस y अपॉन 2 इंटू में साइन x माइनस वाई अपॉन में 2, ये फॉर्मूला। तो सबसे पहले माइनस तो आएगा ही आएगा, ये लीजिए 2 इंटू साइन 3x प्लस x अपॉन में 2 इंटू में कोस, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कोस, कोस नहीं साइन, साइन 3x माइनस x अपॉन में 2 और ये ब्रैकेट बंद और इसके साथ कौन मल्टीप्लाई है, कोस, ठीक है। आगे देखिए, अब मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, देखिए ये तो कितना जाएगा 2 साइन 3x प्लस x इतना 4x, 4x को 2 से डिवाइड करूँगा तो कितना 2x इंटू में ये कितना जाएगा आपका, कोस 3x माइनस x कितना 2x, 2x को 2 से डिवाइड करूँगा तो कितना x आ जाएगा, इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है आपका कौन, साइन, ठीक है। फिर प्लस ये माइनस है, ये बाहर निकालूं तो यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस और फिर वैल्यू आ जाएगी आपकी, देखिए 2 इंटू साइन 2x और ये कितना साइन x और इसके मल्टीप्लाई में कौन है, कोस x, ये आ जाएगा। अब यहाँ से और यहाँ से कॉमन आ रहा है आपका क्या, 2 साइन 2x, 2 साइन
2x कॉमन आ रहा है, ठीक है ना, कोस भी आ रहा है ना, ये लीजिए कोस भी आ गया। देखो ये साइन 2x कॉमन, ये 2 कॉमन और ये कोस कॉमन, तो यहाँ पे जो रिमेनिंग वैल्यू है, ठीक है ना, ये तो सेम ही हो गया पूरा, देखो सेम हो जाएगा ये तो पूरा, देखिए ध्यान से। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन 2x इंटू साइन x, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ में, फिर कोस x माइनस 2 इंटू साइन 2x इंटू साइन x इंटू कोस x। अब इस वैल्यू और इस वैल्यू को ध्यान से देखिए और फील कीजिए कि सेम वैल्यू है, और सेम वैल्यू से माइनस होती है तो आपस में कैंसिल आउट होकर वैल्यू कितनी आएगी, जीरो, और ये क्या आपकी राइट हैंड साइड, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब आप वीडियो को पॉज कीजिए और अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कोस एक्स प्लस कोस वाई का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू प्रूव करना है कि 4 कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन में 2। फिर ये सेम आपका, यहाँ पे आपका माइनस है, यहाँ पे आपका माइनस है, ठीक है, तब जाके आपको वो प्रूव करना है। तो सेम क्वेश्चन है, सेम में फॉर्मूला भी सेम लगेगा, लेकिन आपको जब तक फॉर्मूले नहीं आएंगे तब तक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पूरा चैप्टर नहीं आएगी, ट्वेल्थ की मैथमेटिक्स नहीं आएगी। तो फॉर्मूले पूरे देखिए, इससे पहले मैंने ऑलरेडी इसके बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं, एक्सरसाइज के भी, इंट्रोडक्शन के भी, वो वीडियो आप पहले देखिए। यदि वो वीडियो मेरे चैनल पर आपको नहीं मिले, फिर भी आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको जितने वीडियो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अपलोड कर दिए गए हैं उनके सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे, उन लिंक पर आप क्लिक करके देख सकते हो सारे वीडियो, एक्सरसाइज बाई एक्सरसाइज, टॉपिक बाई टॉपिक सारी वीडियो आप, यानी आपके जो लिंक है वो यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4th, क्वेश्चन नंबर 3rd की देखते हैं। इसकी लेफ्ट हैंड साइड को देखिए, सबसे पहले कोस एक्स प्लस कोस वाई का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। एल्जेब्रिक फॉर्मूले भी आपको आने चाहिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा इसी वीडियो के। तो देखिए यहाँ पे मैं अप्लाई करूँ कौन सा फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी। यदि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, इसका स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स, इसका स्क्वायर कोस स्क्वायर वाई, फिर 2 इंटू दोनों का मल्टीप्लाई कोस एक्स इंटू कोस वाई, फिर प्लस है, ये लीजिए प्लस, इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई, फिर माइनस है यहाँ पे तो माइनस 2 इंटू साइन एक्स इंटू कोस साइन वाई, ये आ जाएगा। अब देखो इस साइन एक्स स्क्वायर एक्स और इस कोस एक्स को तो सेम लिख देता हूँ यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू तो कितनी हो जाएगी 1। फिर इस साइन स्क्वायर वाई को और इस कोस स्क्वायर वाई को एक साइड में लिख देता हूँ, इसकी वैल्यू भी कितनी 1। और यहाँ से देखो 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से मैं इस 2 को कॉमन निकाल दूँ तो कोस एक्स इंटू कोस वाई, फिर माइनस 2 तो बाहर, रिमेनिंग वैल्यू 2 बाहर आ जाएगा, और साइन एक्स इंटू साइन वाई, ये लीजिए इसकी वैल्यू 1, फिर प्लस इसकी वैल्यू भी 1, फिर प्लस 2। अब यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला बन गया आपका किसका, कोस एक्स माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस अपॉन में 2, अपॉन 2 नहीं, एक्स प्लस वाई, 1 प्लस 1 कितना 2, तो 2 प्लस 2 इंटू कोस एक्स प्लस वाई, यहाँ से 2 को कॉमन निकाल दूँ तो कितना रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 प्लस कोस एक्स प्लस वाई, ये आपकी रिमेनिंग वैल्यू यहाँ से आपकी आ जाएगी। अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला जानता हूँ, देखो मैंने आपको बताया था कोस 2x इक्वल टू, ठीक है, वहाँ पे क्या गिवन आपको कोस है, तो कोस के फॉर्मेट में क्या फॉर्मूला होता है इसका, 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये 1 इधर आएगा तो 2 कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी, ये 1 इधर लेके आ रहा हूँ तो 1 प्लस कोस 2x, यही तो है फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 2 नहीं है ना,
यहाँ पे टू नहीं है, ये तो टू एक्स बाई टू है ना, तो ये कितना आ जाएगा आपका टू एक्स। क्लियर बात। अब यदि यहाँ पे मैं टू बाई एक्स बाई टू कर दूँ तो यहाँ पे भी टू आएगा और ये टू से टू कैंसिल आउट। तो इसका मीनिंग क्या मिला आपको कि यदि टू कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका एक्स वन प्लस कोस एक्स, यानी यहाँ पे एक्स है तब यहाँ पे टू है, ठीक है ना। मैंने आपको या फिर दोबारा देख लीजिए आप, ये वाली वैल्यू है इधर से, ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो प्लस, तो क्या लिख सकता हूँ मैं, ये तो आपका एक्स है इक्वल टू वन प्लस कोस टू एक्स। देखो ये टू एक्स है तब एक्स आया है, अब ये एक्स हो जाएगा यानी वन प्लस टू एक्स की जगह मैं एक्स कर दूँ तो यहाँ पे कितना आएगा कोस स्क्वायर एक्स बाई टू। क्लियर बात। यहाँ पे एक्स है तब एक्स बाई टू आया है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है आपका टू इंटू कोस स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू है तो बाई टू, तो एक्स प्लस टू वाई अपॉन में टू, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके कितना फोर कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन में टू। ये फॉर्मूला लीजिए आपका, फॉर्मूला क्या आपकी राइट हैंड साइड, ठीक है। तो अब वीडियो को पॉज कीजिए और इसको पूरे को आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अपन चलते हैं इसके फोर्थ क्वेश्चन पे, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। देखिए फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड क्या है कोस एक्स माइनस कोस वाई का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो कोस एक्स का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर वाई दोनों का मल्टीप्लाई टू इंटू कोस एक्स इंटू कोस वाई, फिर प्लस यहाँ पे भी अप्लाई कर दीजिए फॉर्मूला, तो साइन स्क्वायर एक्स, ये माइनस है यहाँ पे, ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई करूँ तो प्लस साइन स्क्वायर वाई और माइनस का टू इंटू साइन एक्स इंटू साइन वाई, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों मिलके कितना वन, प्लस कोस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई की वैल्यू कितनी वन, फिर यहाँ से और यहाँ से माइनस टू को मैं कॉमन निकाल दूँ तो रिमेनिंग वैल्यू कितनी कोस एक्स इंटू कोस वाई, यहाँ से माइनस कॉमन तो प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ये आ जाएगा यहाँ से, ये कितना टू माइनस टू। अब देखो ये फॉर्मूला है डायरेक्ट आपका किसका कोस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे कितना आएगा आपका माइनस, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है, माइनस ही आ रहा है ना वहाँ पे, ठीक है। देखिए अब मैं टू को कॉमन निकाल दूँ तो रिमेनिंग वैल्यू कितनी वन, यहाँ पे भी आपका ये बाहर आ जाएगा कोस एक्स माइनस वाई, ये रिमेनिंग वैल्यू आपकी आ जाएगी। अब मैं फॉर्मूला जानता हूँ साइन के फॉर्मेट में, देखिए क्या कोस 2x का क्या फॉर्मूला होता है साइन के फॉर्मेट में, वन माइनस टू इंटू साइन स्क्वायर एक्स, ये होता है। ये साइन वैल्यू इधर आएगी तो कितना टू कोस टू साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन, ये कोस टू एक्स इधर आएगा तो माइनस का कोस टू एक्स। अब यहाँ पे आपको ये गिवन है कि टू साइन स्क्वायर यानी ये वैल्यू जो गिवन है वो ये है कोस एक्स, ये एक्स है तो यहाँ पे क्या आएगा आपका एक्स बाई टू, ये फॉर्मूले में पुट कर दो। तो देखो इस एक्स की वैल्यू कितनी है एक्स माइनस टू, तो टू इंटू टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन में टू, टू से टू मल्टीप्लाई तो फोर साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन में टू, ये आपके क्वेश्चन की राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। तो ये क्वेश्चन नंबर थ्री और फोर, अब आप इनको नोट डाउन कीजिए। आपको कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट्स कीजिए। अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव पे। देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ एंड सिक्स्थ के बारे में, तो सबसे पहले फिफ्थ को देखते हैं। फिफ्थ की मैं लेफ्ट हैंड साइड को लिखना चाहूँ तो थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ मैं इस 5x को और इन दोनों को साथ में लेता हूँ,
साइन 5x प्लस साइन x, इसको देख तरफ ले लेता हूँ, फिर प्लस साइन 7x प्लस साइन 3x, इसको एक तरफ ले लेता हूँ। देखिए फॉर्मूला अपन जानते हैं, साइन x प्लस साइन y, क्या फॉर्मूला होता है, टू साइन x प्लस वाई अपॉन टू इंटू कोस x माइनस वाई अपॉन में टू, ये फॉर्मूला अपन जानते हैं। पुट करते हैं, x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, तो कितना आ जाएगा देखिए ध्यान से, टू साइन 5x प्लस x, 5x प्लस x अपॉन में कितना टू, इंटू कोस 5x माइनस x अपॉन में कितना टू, ये तो एक वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद में ये प्लस है, यहां से अप्लाई करूंगा तो 2 साइन 7x प्लस 3x, 7x प्लस 3x अपॉन में 2, फिर इनटू में कोस 7x माइनस 3x अपॉन में 2, ये वैल्यू आ जाएगी यहां से। अब देखिए ध्यान से, 2 इंटू साइन 5x प्लस x कितना 6x, 6x को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा यहां पे 3x, इंटू ये कोस 5x माइनस x कितना 4x, 4x को 2 से डिवाइड करूंगा तो यहां पे कितना आएगा आपका 2x, प्लस इसको भी सोल्व कर लेते हैं तो 7x प्लस 3 कितना, 3x कितना 10x, 10x को 2 से डिवाइड किया तो कितना 5x, फिर कोस 7x माइनस 3x कितना 4x, 4x को 2 से डिवाइड किया कितना 2x। अब देखो यहाँ से ये 2 और यहाँ से ये कोस x, कोस 2x और तो कोस 2x कॉमन निकाल लो, रिमेनिंग वैल्यू कितनी है साइन, इधर तो यहाँ तो कितनी है साइन 5x और इधर कितनी है साइन का 3x, क्लियर बात। सेम फॉर्मूला वापस अप्लाई करते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में है पूरा, यहाँ से जो वैल्यू आएगी उसके साथ मल्टीप्लाई होके वो वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए 2 इंटू साइन 5x माइनस 3x प्लस 2, प्लस है यहाँ पे, इंटू कोस 5x माइनस 3x अपॉन में 2, तो 2 इंटू कोस 2x इंटू ये कितना आ जाएगा 2 साइन 5x प्लस 3x कितना 8x अपॉन 2 करेंगे तो कितना 4x, फिर कोस 5x माइनस 3x कितना 2x, 2x को 2 से डिवाइड किया तो कितना x। अब इसको पूरी एक लाइन में लिख देते हैं तो 2 इंटू टू कितना 4, फिर कौन है आपका कोस x, तो ये कोस x लीजिए ये वाला, फिर कौन है कोस 2x, तो ये कोस 2x, फिर कौन है साइन 4x, और ये क्या आपकी क्वेश्चन की राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। अब आप वीडियो को पॉज कीजिए और नोट डाउन कीजिए, चलते हैं इसके सेकंड थर्ड यानी क्वेश्चन नंबर सिक्स पे। तो देखिए सिक्स क्वेश्चन, क्वेश्चन सिक्स की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो देखिए, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड कितनी है साइन 7x प्लस साइन 5x प्लस साइन 9x प्लस साइन 3x अपॉन में कितना है कोस 7x प्लस कोस 5x प्लस कोस 9x प्लस कोस 3x, ये वैल्यू आपको गिवन है। सबसे पहले साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो ऊपर पहले अप्लाई कर देते हैं इसका फॉर्मूला, तो इसमें अप्लाई कर रहे हैं ये x की वैल्यू है ये y की वैल्यू है, तो 2 साइन फॉर्मूला आपको रिप्रेजेंट किया गया है, तो 7x प्लस 5x अपॉन में 2, फिर cos 7x माइनस 5x अपॉन में 2,
फिर यहाँ पे क्या है आपका प्लस है, इसमें भी सेम अप्लाई करते हैं, 2 इंटू साइन 9x माइनस 3x अपॉन में 2, फिर साइन के बाद कौन है कोस 9x माइनस 3x अपॉन में 2, ये प्लस आएगा, ठीक है। फिर नीचे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, नीचे कौन सा होगा कोस का, तो कोस का मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, देखिए कोस एक्स प्लस कोस वाई क्या फॉर्मूला होता है, 2 कोस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू कोस एक्स माइनस वाई अपॉन में 2, ये फॉर्मूला है, अप्लाई करते हैं तो 2 इंटू कोस 7x प्लस 5x अपॉन में 2 इंटू कोस 7x माइनस 5x अपॉन में 2 प्लस 2 इंटू सेम फॉर्मूला अप्लाई, तो 2 कोस 9x माइनस प्लस 3x अपॉन में 2 इंटू कोस 9x माइनस 3x अपॉन में 2, ये फॉर्मूला था आपका, ठीक है। अब देखिए सोल्व करते हैं थोड़ा सा इसको, 2 तो सेम है साइन एक्स, 7x प्लस 5x कितना 12x, 12x को 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना 6x, फिर इंटू में कोस 7x माइनस 5 कितना 2x, 2x को 2 से डिवाइड किया तो कितना x, फिर प्लस 2 साइन 9x प्लस 3x कितना 12x, 12x को 2 से डिवाइड किया कितना 6x, फिर सेम कोस 9x माइनस 3x कितना 9x माइनस 3x 6x, 6x को 2 से डिवाइड किया 3x, ये आ जाएगा अपॉन, इसको करते हैं सोल्व, कोस 7x प्लस 5 कितना 12x, 12x को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा 6x, फिर कोस 7x माइनस 5x कितना 2x, 2x को 2 से डिवाइड किया तो कितना x, प्लस 2 इंटू 9x प्लस 3x कितना 12x, 12x को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना 6x, फिर कोस वो कितना आ जाएगा 6x, 6x अपॉन 2 कितना 3x, ये आ जाएगी आपकी रिमेनिंग वैल्यू सोल्व करने के बाद। अब देखो यहाँ से और यहाँ से एक चीज़ कॉमन आ रही होगी कि 2 इंटू ये वाली वैल्यू और ये कॉमन आ रही है, रिमेनिंग वैल्यू कितनी है कोस एक्स यहाँ पे कोस 3x अपॉन, यहाँ से कॉमन निकालें तो कोस 6x को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, यहाँ पे रिमेनिंग वैल्यू कितनी है कोस एक्स और यहाँ पे कितना है कोस 3x। अब देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट और इस सेम वैल्यू से ये सेम वैल्यू कैंसिल आउट, रिमेनिंग वैल्यू कितनी मिल गई आपको साइन 6x अपॉन में कोस 6x, साइन अपॉन कोस क्या होता है टेन, 6x एंगल है इसका तो टेन 6x, और ये क्वेश्चन की आपकी क्या है राइट हैंड साइड, ये क्वेश्चन नंबर 6 तक मिसक्लिनियस के आपके कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।